हेलो फ्रेंड्स, ये हमने साबुदाना लिया है और आज मैं साबुदाना से बहुत ही अच्छी एक रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही बढ़िया हेल्दी भी है और व्रत में कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। ये ओवरनाइट साबुदाना हमने भिगो दिया था और अच्छे से धुल के और थोड़े से पानी में। और मैंने 4 आलू लिए हैं, ये बॉयल्ड आलू है, आप कच्चा भी ले सकते हैं। और इसको अब हम पीस पीस में कट कर लेंगे। और 2 ही हमने टमाटर यहाँ पे लिए हैं और कुछ धनिया की पत्ती, जो व्रत में खाई जाती हैं चीज़ें वहीं सब हैं। और ये बहुत बढ़िया है, आलू को ऐसे हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो हाथों से भी तोड़ के ले सकते हैं, लेकिन कटने से ये अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं चाकू से कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे मैंने मखाना और ये रोस्टेड मूंगफली है, पहले ही हमने इनको भून लिया था। अगर आपके पास भूनी नहीं है तो तुरंत भी भून सकते हैं। और इधर इंडक्शन पे हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें ये मैं घी डाल रही हूँ, घी में बनाऊँगी। आप चाहें तो कोई कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन व्रत में घी ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए हमारे यहाँ सब लोग घी में ही बनाते हैं। और ये दरदरी कुटी काली मिर्च है, इसको पहले ही डाल देंगे। ये जब घी में भुनी रहती है तो इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है और खाने में अच्छी लगती है। 1 चम्मच जीरा, इसीलिए मैंने पहले डाली है काली मिर्च। जीरा और काली मिर्च हमारा भुनने लगा है अच्छे से। और 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और ये इतनी जल्दी झटपट बन के तैयार होता है, जब भी आपको भूख लगे व्रत में बना के खा सकते हैं। और पहले आलू हमने इसमें डाले हैं, आलू को भी थोड़ा भून लेते हैं। बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं, ऐसा नहीं व्रत में ही खाना है। ऐसे आलू को हमें भून लेना है अच्छे से। अब आलू हल्का भून चुका है, और अब हमने जो 2 टमाटर बारीक काट के रखे थे उसको भी ऐड कर दिया इसमें, इनको भी भून लेंगे थोड़ा। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे बना लीजिए बिना टमाटर के, लेकिन हमारे यहाँ तो टमाटर सब लोग खाते हैं और टमाटर में ये खले जाते हैं। ऐसे भून लेंगे। टमाटर भी भून गया है, सॉफ्ट हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो 1 कटोरी साबुदाना भीगा हुआ है उसको ऐड कर दिए हैं। अगर आपका साबुदाना नहीं भीगा हुआ है तो थोड़ा पहले हल्का सा बॉईल कर लें गर्म पानी में, बहुत अच्छी बनेगी। भीगे हुए से थोड़ा अच्छा बनता है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता साबुदाने का, एकदम मोती जैसा ही दिखने लगेगा। अभी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो जैसे मोती होता है वैसे दिखने लगेगा थोड़ा भूनने के बाद। देखिए अब इसका कलर चेंज होने लगा है। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी, अगर आप स्वाद अनुसार नमक, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते तो ऐसे भी खा सकते हैं, और थोड़ा हरा धनिया। धनिया से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। अगर आपको एकदम सूखी खानी है तो वैसे खा सकते हैं, और ये थोड़ा अगर गीली खानी है तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और सबसे अच्छा ये है, अगर आप पराठे बनाएंगे तब भी समय लगेगा, लेकिन इसमें समय नहीं लगता है, तुरंत बन जाती है। और अब हम इसमें जो मूंगफली और मखाना, आप यहाँ पे काजू भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने साबुत मूंगफली डाली है,
आप चाहें तो दरदरी कूट के भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत हेल्दी भी हैं, वैसे भी फायदेमंद है, व्रत में खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। ये बहुत झटपट बन के तैयार होगा। देखिए ये बन चुका है, देखने से ये पका तो पहले से ही है। एकदम दाना सब बहुत अच्छे से साबुदाना का पक चुका है। और हम यहाँ पे फिर से हरी धनिया थोड़ा डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर करें, और फिर से थोड़ा मिक्स कर देते हैं। और एक थाली में हम निकाल लेंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप कभी भी बना के खा सकते हैं। और देखिए, एक हमने नींबू ले लिया है, और ये है खीरा सलाद में। और इतना खा लेंगे तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर व्रत में बनाएंगे तो बिना व्रत के भी बना के खाएंगे, बहुत बढ़िया है। आप लोग भी बनाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।